ये वीडियो है, वीडियो बना हुआ है, ठीक है। अपन ये चीज देखेंगे। अब ये दो तीन तरीके होते हैं इसको करने। पहले सिंपल वाला देखते हैं अपन, उसको भी देखेंगे। ये वीडियो अपने पास सिंपल सा वीडियो। अभी क्या होगा, अपन ने जितने भी टूल्स देखे करें ना, अब ये चीजें करेंगे तब उन टूल्स का समझ में आएगा कहाँ यूज होते हैं। अभी तक तो अपने सिर्फ टूल सीख लिए कि कैसे करना है, कैसे यूज करते हैं, पर उनको कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज करते हैं वो अब देखेंगे अपन, है ना। तो अभी सबसे पहले जैसे ये जो अपने को स्टॉप बनाना है इसका सिंपल, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से इसने ये जंप लिया, इस जगह पे मेरे को स्टॉप करना है। तो पहले अपन सिंपल वाला तरीका, सिंपल तरीके में थोड़ा क्वालिटी का वो वैसा नहीं आएगा, वो थोड़ा हार्ड है, पर उसको भी अपन सिंपल तरीके से करेंगे और भी, है ना। अब इस जगह पर मेरे को जंप स्टॉप करना है इसको, तो मैं ऑल्ट के साथ इसको ले लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे को मिल जाता है 8 फ्रेम होल्ड, ठीक है। जैसे मैंने इसको किया, देखो ये कट हो गया दो पार्ट में, मतलब इसके पहले तक वीडियो है और उसके आगे ये रुक गया यहाँ। इसके पहले वाला मैं डिलीट कर, ठीक है, मेरे को यहाँ पर ये होल्ड मिल गया इस जगह पर पूरे वीडियो में। अभी इसको हाइट करो। इसके बाद अगला होल्ड मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको सेम नीचे वाले वीडियो को मैं फिर से कॉपी कर लूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके, और मैं कर दूंगा इसमें 8 फ्रेम होल्ड। चला फिर से डिलीट कर, तो मेरे को यहाँ पे एक होल यहाँ पे मिल गया था, हाइट कर रखा था अपने, ये दूसरा होल मेरे को यहाँ मिल गया, इसको भी अभी हाइट कर लेता हूँ। तीसरा मान लो मैं इस जगह पर लेता हूँ यहाँ, ऑल्ट के साथ मैंने इसको कॉपी कर लिया, राइट क्लिक, यहाँ पर 8 फ्रेम होल्ड। होल्ड वहीं पे होगा जहाँ पे तुम्हारा हेडर होगा, है ना। अभी अपने पास तीन हो गए। एक तो सबसे सिंपल तरीका, फाइल लो, अपन जाओ कंट्रोल में, अब यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड बताया था मैंने, यहाँ पे जाके अपन से ब्लेंडिंग मोड सिलेक्ट कर लो, ओवरले, यहाँ से अलग-अलग ब्लेंडिंग मोड ट्राई करके देखो। अच्छा, ये ऊपर की जो लेयर है ये हाइट करनी पड़ेगी क्योंकि तभी वो दिख पाएगा। देखो ओवरले में ऐसा दिख रहा है, सॉफ्ट लाइट में ऐसा, हार्ड लाइट में ऐसा, तो ये अपन एक डायरेक्ट कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। अगर मान लो अपने पास ऐसे जैसे अभी तो ब्लू स्काई है, इसकी अगर पूरा व्हाइट स्काई होता तो ये चीज अच्छे से क्लियर बन जाती है। इसको अपन सिंपल स्क्रीन लगा देते तो कंप्लीट बन जाता है, पर अभी वो क्योंकि कलर भी है वहाँ पे, यहाँ पे चेंज कलर हो रहा है इसलिए वो चीज़ अलग हो रही। तो अपन इसमें मैक्सिमम ओवरले या सॉफ्ट क्लियर कर सकते, सॉफ्ट लेयर ओवरले में कलर ओवरले भी कर सकते, लेकिन ओवरले में क्या हो रहा है, देखो कलर ज़्यादा हार्ड हो रहा है। तो अपन सॉफ्ट लेयर करते हैं यहाँ से, सॉफ्ट लाइट, तो इसमें थोड़ा ये है कि लाइट अपनी वही रहेगी। अब उसमें क्या हुआ, अपना ये जो जिस पे अपन ने करा सॉफ्ट लाइट उसको ले लिया उसने, और बाकी शॉट अपना सेम एज इट इज रह गया। सेम अपन ने ये वाला उठाया था, इसको अनहाइट कर, और इसको भी अपन यहाँ से सिलेक्ट करके सॉफ्ट लाइट कर, ये मिल गया अपने को दो, ये आ गया। उसके बाद जो लास्ट वाला लिया था इसको भी सिलेक्ट करके अपन यहाँ से नॉर्मल सॉफ्ट, तो अपने को एक सीक्वेंस मिल गया। अब इसमें हो क्या रहा है दिक्कत, कि ये कलर अपना चेंज हो रहा है ना। देखो कलर हर बार में कलर जो अपना चेंज हो रहा है, ये सेम नहीं रहा है, यहाँ पर है, अब यहाँ पर आके फिर ये थोड़ा चेंज होगा ये, है ना, और यहाँ पर डार्क होते जा रहा है। और दूसरी बात, जब ये नीचे जा रहा है, जो मेन फुटेज है अपना, जब वो नीचे जा रहा है तो देखो ये ओवरलैप की वजह से यहाँ पर दिख रहा है, उसके अंदर भी दिखाई दे रहा है पीछे का बैकग्राउंड, ये देख पूरा पीछे का दिख, है ना। तो ये जब काम आएगा, मान लो कोई ऐसा अपना कोई सा भी क्या बोलेंगे अपन, स्पोर्ट्स का कुछ है सीन, वो बाइक वाइक आती है, जंप करती है, बाइक जंप करती है, तो वहां पर ये चीज अपन इजीली कर सकते हैं। अगर पीछे बैकग्राउंड व्हाइट है, तो सफेद आसमान रहता है, कितनी बार धूप का सीन है तो पूरा व्हाइट व्हाइट रहता है पीछे, तो वहां अपन इसको इजीली अचीव कर सकते हैं। अब ये सीन कैसे रहते, तो कुछ सेकंड के लिए यूज होते हैं, टाइटल के लिए, एकदम से म्यूजिक के साथ बीट आई उसके हिसाब से, तो इनमें इतना अगर अपने को इस तरीके से अगर हो रहा है तो उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फटाफट लगाया अपन ने, इतनी देर के बाद जब ये जा रहा है तो उसके बाद अपन इसको हटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ तक गया ये, यहाँ से इसने यहाँ जंप मारा, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, इसको हटा दिया, थोड़ा और आगे जाके इस वाले को भी हटा दिया, थोड़ा और आगे जाके इसको भी हटा, तो अब ये ऐसे आया, ये आया, ये आया, गया गया गया। अब वो उसमें अपन की फ्रेम लगा के उसको मूव करा सकते हैं, या ओपेसिटी लगा दो तो वो जाते हुए दिख जाएगा, तो वो ऐसे भी कर सकते अपन, है ना। तो ये कुछ सेकंड के लिए यूज करना है तो ये मेथड अच्छी है। अब मान लो अपने को थोड़ा एडवांस देखना है, है ना, दो तरीके हैं। पहला तो ये कि अपन क्या करेंगे बताओ, करा हुआ है तुमने सबने मास्क, ठीक है, एक तरीका तो हो गया अपना मास्क, ठीक। अब वो मास्क करना वही मैन्युअली पेन टूल लेके इसको बनाओ पूरा करो, है ना। दूसरा तरीका अपन यहाँ पे अब थोड़ा सा AI भी यूज करेंगे अपने, एक्स्ट्रा जो भी चीजें देती है। अब क्या करेंगे अपन, जैसे अपनी ये फ्रेम थी जहाँ पे वो स्टॉप हुआ है, ठीक है, ये हेडर के आगे वाली चीज दिखेगी, मैंने इसको यहाँ किया ना तो ये आगे, ये पीछे वाला नहीं दिखेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि हेडर के जो भी आगे रहेगा वो चीज ही यहाँ पर। तो मैंने ये वाला लिया, ये वाली फ्रेम स्टॉप करनी थी, सिंपली मैं यहाँ गया, यहाँ पे अपने को टूल था बताया था शुरू में स्नैपशॉट लेने के लिए, है ना, यहाँ से सिलेक्ट किया इसको, और मैं इसको JPG ले रहा हूँ, और यहाँ पे सिंपल के अंदर ना इसको नाम में यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से, इसका नाम जो है इसको मैं चेंज कर देता हूँ अपन B1 कर दे, ठीक है, बैकग्राउंड के लिए B1, ओके। एक आ गया अपने पास, सेकेंड वाली फ्रेम पे गए अपन यहाँ पर, यहाँ पर जाके फिर से इसका स्नैप लिया अपन ने यहाँ से B2, सेम यहाँ पर गए थर्ड वाली पे, यहाँ पे आके अपन ले लेते हैं B3, ठीक है।
अभी फोल्डर में जाके देखो, ये मिल गया अपना B1 B2 B3, तीनों अलग अलग हो गए, जेपीईजी जेपीईजी हो गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे अपन, सिंपल जाओ अपने पास, यहाँ पे यहाँ मिल जाएगा तुमको क्लिप ड्रॉप, clipdrop.co AI वेबसाइट है पूरी। इसमें हाँ, इसमें तुम जाओगे यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, चाहो तो फोटोशॉप में भी कर सकते हो, पर यह ईजी है, यहाँ पे तुमको उठा के डालना ही है बस। ये अपन ने खोला, यहाँ से मैंने इमेज ली, उठाई और इसके अंदर यहाँ पे डाल दी। डालने के बाद अब देखो, फुल एचडी में अगर ज़्यादा ऐड करना तुमको तो वो प्रीमियम वाला मिल गया, फ्री वाले में एक बार में एक ही करता। हाँ, अगर बैच करना है तो फिर वो तुमको परचेस करना पड़े। अब यहाँ पे प्रीमियम में एक चीज़ है कि तुमको ये साइज मिलेगा, फुल एचडी करना है तो अनलॉक करना पड़े, पर अपने को ज़रा सी देर के लिए चाहिए तो अपन ले सकते हैं इसको। क्या करा, बस वेट करो थोड़ी देर, फोटोशॉप में ना न्यू वाले में वो तो जनरेटिव फील आई है ना उसमें तो, पर वो पेड है, फ्री वर्जन में नहीं चलेगा वो, क्योंकि वो ऑनलाइन ही काम करता है वो। जैसे ये आ गए देखो, इमेज बन गई अपनी, इसको डाउनलोड कर लिया अपन ने, अभी PNG में रहेगा तो मैं नाम सेम ही रहने देता हूँ B1, ठीक है। यहाँ से अपन बैक आ जाओ, सेकेंड इमेज को भी इसे उठा के लाओ और यहाँ पे डाल दो, बैकग्राउंड हटा देगा तुम्हें। अब ये तुम अगर उसमें बनाते अपना मास्क में तो बहुत टाइम लगा था। हाँ, वो इतना क्लियर भी नहीं होता, वो मास्क में इतना क्लियर भी नहीं बनता वो। फोटोशॉप में थोड़ा इजी है, पर फोटोशॉप में भी क्या है कि टाइम तो लगाते हैं, मेहनत करनी पड़ती मैनुअली। अब यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ा ना अपने को, इमेज आ रही है ऐसी कैसी, ठीक है। ये तीनों आ गई अपनी, यहाँ पे डाउनलोड हो गई। साथ में लेने के लिए तुमको खरीदना पड़ेगा उसका, साथ में करना है तो बैच बनाना है तो उसका प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ता है। हाँ, एक बैच में 10 बनती है, तो क्या मतलब ही नहीं ना उस चीज़ का, अपन तो एक ही करके कर ही सकते। अभी उठा के मैं सिंपल इनको लेके आता हूँ प्रीमियर के अंदर। अब यहाँ से ले रहे B1 को उठा के मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि अपन ने वो साइज कम किया था, फुल एचडी लिया नहीं था इसलिए छोटा हो गया, तो अपन सिंपल इसको स्केल कर, हो गया 200, डबल ले गया, मतलब उसने हाफ कर दिया था, तो इसकी पोजीशन जो है उसको अपन अच्छा, अपन तो सही थी है, हल्का सा लग रहा है। अगर मोशन को सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से और फिर मैन्युअली इसको खसका देंगे, वो हुआ ही नहीं है, वो हुआ ही नहीं, ये हो गया। सेम यहाँ पे सेकंड वाला लेके आएंगे अपन इसकी जगह पर, अच्छा लाइट, सेकंड वाली इमेज उठा के अपन यहाँ पे डाल दी। अब क्या करो, अपने पहले वाला जो सेम साइज था, सब कुछ सेम था ना, यहाँ से मोशन को पूरा कॉपी, पहले वाले को सेट कर दिया अपन ने, सब कुछ सेम था, सेकंड पे आओ यहाँ पे कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे पीछे होगा वो, उसको अपन मैनुअली, साइज भी थोड़ा ज्यादा ही बड़ा था। थर्ड फ्रेम पे आओ, यहाँ से उठा के कहीं भी रख दो, तुम्हारी मर्जी, सही गलत क्या, वो तो यूं भी हटाना पड़ता अपने को, वो तो अपने आप हट गई ना, उसके ऊपर ओवरले कर दी ना अपन ने यहाँ पे। वीडियो मेन वीडियो तो नीचे है, मेन वीडियो तो चाहिए ना अपने कूदते हुए उसके, पर ये जो यहाँ पर जो अपन ने जो स्टॉप की, समझ नहीं अंदर, मतलब ये वीडियो मेन है ना। इसके बाद अपन ने क्या करा था, यहाँ पे वो कट लगाए थे जो होल्ड फ्रेम करी थी, तो ओवरले हो गई, अपन ने ये रख दी इमेज, रख दी अपन ने, वो भी इमेज बन गई थी, होल्ड फ्रेम मतलब वो स्टिल फ्रेम हो गई थी, पर उसमें बैकग्राउंड था। अगर अपन उस पर काम करते तो अपने को मैन्युअली वो करना पड़ता अपने को मास्किंग। हाँ, अभी इसको हटा के देखते ना, ये देखो दिख रहा है, ये आ गए तीनों। अब उसमें क्या था कि मास्किंग करके तुमको ये चीज लाना पड़ती, तो वो अपन ने हटा के उसकी जगह किसी भी चीज के ऊपर रखोगे ना, देखो यहाँ पे ये आ रहा है थोड़ा सा। हाँ, किसी भी वीडियो के ऊपर देखो, टूल्स ऐसा है कि कर तुम कुछ भी सकते है, तुमको बस चीज आना चाहिए कि पता होना चाहिए कि क्या करना है और किस टूल से कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी आ गया अपना, ये अच्छा दिख रहा है, बैकग्राउंड भी डिस्टर्ब नहीं हुआ अपना। अब यहाँ पे अगर लग रहा है कि हाँ, अगर अब लग रहा है कि इनको दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ भी लग रहा है, तो इनको ब्लेंड कर दो, ऑफ लाइट लो जो भी। अब ये चीज़ है ना करने के ऊपर, क्योंकि हर कलर पे अलग अलग चलता है, तो तुमको जहाँ पे भी लग रहा है, या तो अगर ब्लेंड नहीं भी करना है तो इसको नॉर्मल करो, अपने को चाहिए कि वो पीछे वाला दिखे ना, तो अपन कुछ नहीं करो, इसकी ओपेसिटी 88 है ना, सबकी ओपेसिटी अपन 88 का, ये अपना एक इफेक्ट ऐसे ना। अब इसको आप कहाँ यूज करना है, किस फुटेज में करना है, वो तुम्हारे ऊपर, जहां भी तुमको लगे वहां पे इस तरह, और जरूरी नहीं है जंप वाला ही हो, बहुत चीजें कर सकते हैं इसमें, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे बहुत टाइम पहले बनाया था एक वीडियो, डिपेंड करता है उसको कहाँ पे अपन यूज करना चाहते हैं। हाँ, ये है कि स्पोर्ट्स वाले या मूवमेंट वाले शॉट है, या जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, तो वहां अपन चीज को यूज कर। यूट्यूब पे डाल दी थी उसमें, ग्रुप में नहीं डालना, मतलब यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तुम लोगों ने, तो नोटिफिकेशन। वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पता है, वो हाथ निकलते बहुत सारे हैं, वो इस मेथड से कर सकते हैं, तो मैंने पूरा अलग ही बनाया था वैसे, वो अलग अलग निकलता, वो इधर निकलता इधर निकलता, वहां पे यूज कर सकते हैं जैसे ये वाला है। ये जो दिख रहे हैं सारी इमेज है, ये इमेज बनाई है उसी वीडियो में से निकाल, तो जहां जहां अपन चाहे ना अपने हिसाब से वैसे वैसे कर सकते। जहां मैंने वीडियो एक ही था बस, स्नैपशॉट ले लेके उसके निकाल दिए कर, है ना, ठीक है। तो अपने हिसाब से जहां भी लगे वहां यूज कर सकते हैं अपन। एक तो ये इफेक्ट बेसिक हो गया, एक तो बेसिक वाला हो गया तुम्हारा, मतलब दोनों चीज आ गई इसमें। अब अगर तुमको मैन्युअली, मान लो उसके लिए अपने को ऑनलाइन होना पड़ेगा, वो बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो ये ऑफलाइन काम नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में फिर तुमको मैन्युअली वही पेन टूल से ही काम करना पड़ेगा। पेन टूल से कर लो या फिर फोटोशॉप में जाके कर लो, या
हाँ उसमें बस ये दिक्कत हो रही थी कि अपने कलर का इशू आ रहा था, वो जब होता अगर यहाँ पर ये ब्लू की जगह पूरा व्हाइट होता हाँ तो इजी था, वहाँ स्क्रीन कर दोगे, स्क्रीन क्या रहता है व्हाइट कलर के ऊपर स्क्रीन करोगे ना तो पीछे व्हाइट का उस पर कोई वो नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं होगा, मेन कलर पे ही रहेगा वो, तो वो उस चीज में हो सकता था। ये ब्लू था ना इसलिए वो थोड़ा उसने कलर मर्ज कर दिया था। कौन सा? देखो आसान या मुश्किल कुछ नहीं होता, वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर है कि तुमको कौन सी चीज अच्छी लगे, तुम कौन सी चीज कर सकते हो, जिसमें तुमको टाइम कम लग रहा है या तुमको लग रहा है कि मेरे को ये इजी लग रहा है, हो सकता है वो चीज इनको कठिन लगे या उनको जो इजी लगे वो तुमको कठिन लगे, तो वो तुम्हारे ऊपर है, मेथड अलग अलग होती है। ठीक है, तो अपना एक तो ये हो गया। अभी मेरे पास में देखो एक अभी डाउनलोड चल रहा है, उसमें टाइम लगेगा अभी तो ये, अरे वो 4 GB 10 आधे घंटे में हो जाता अपना वैसे, पर वो जहाँ से डाउनलोड हो ना उसका सर्वर स्लो है, वहाँ का सर्वर स्लो है। अभी अपन एक और देख, अभी ये बाइक वाला है, हाँ इसमें भी कर सकते हैं वो चीज, हाँ सीक्वेंस वो वहाँ पे ये यहाँ पे रह गया और ये दिखा रहा है यहाँ पे सीक्वेंस का ना, ये दिख रहा है ये आइकन, ये सीक्वेंस का है, ये वाला इसका सीक्वेंस है, चाहो तो इसमें नाम कर दो तुम, जो अपन ने बी दिया था इसको बी दे दो, तो ये देखो बी आ गया यहाँ पे, अभी मैंने उठा के यहाँ पे रखा तो ये नया सीक्वेंस बन गया, अब चाहो तो अब ये नाम सेम ही दिखाएगा है ना, तो इसको अपन, हाँ इसको अपन चेंज करके इसको एम कर दे। ठीक है ये आ गया। ठीक, अभी अपन आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये यहाँ एड पे से क्लिक कर रहा हूँ, एड क्लिक कर आ जाता राइट क्लिक करोगे तो आएगा, ये पूरा खुलता है, इसमें मिल जाएगा तुमको एड कैप है ना, तो जैसे मेरे को जहाँ पे भी, अब मेरे को क्या बैकग्राउंड रिमूव करना है, अब इसमें दिक्कत आएगी, पेड़ पौधे साथ में है ये रिमूव करने में प्रॉब्लम आएगी इसको, तुम थोड़ा और जहाँ पे लग रहा है कि खाली जगह है, बस ये जगह जैसा ये ब्लर है ना, तो ब्लर में भी वो डिटेक्ट कर लेगा कि ब्लर और हार्ड चीजें, मतलब वो ब्लर जो है वो बैकग्राउंड है, तो वो कर लेता है डिटेक्ट। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे सिंपल अपन 8 फ्रेम हो, ये आ गया अपने पास सारा। इस जगह पे जाके मैं इसको कर लेता हूँ स्नैप, नाम देते जेपीजी में, अभी आ जाते अपन फिर से, ये आ गया अपने पास, तो बैक करते क्लिप ड्रॉप, इसमें बहुत सारे टूल्स है ना और भी, अपन धीरे धीरे सब देखेंगे, आगे देखना चाहो तो तुम देख लेना ऊपर से, बाकी यहाँ से सिंपल इसको उठा के लाए और ये अपना बैकग्राउंड रिमूव, मतलब जब से मैंने टूल यूज करा ना फोटोशॉप से मैंने रिमूव करना छोड़ दिया, फोटोशॉप से कुछ नहीं करता। अब जैसे यहाँ पर ये टायर वायर की दिक्कत आ रही है थोड़ी है ना, ताड़िया नहीं आ रही है, तो वो फिर फोटोशॉप में जाके थोड़ा फिक्स करना पड़ता है, पर वो उसकी जरूरत नहीं अपने को, अपन जो चीज़ बना रहे हैं उसमें इसकी रिक्वायरमेंट इतनी होगी। ठीक है, ये चीज़ आ गई अपनी, इसको उठा के अपन ले आए यहाँ पे, इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, और यहाँ से की प्रॉपर्टी को थोड़ा सेट कर। ठीक, तो अपने यहाँ से आई यहाँ पे आके और ये यहाँ रुक गई। ठीक है, और ताड़ी वाला सीन भी पीछे, क्योंकि है ऑलरेडी इमेज, फ्रीज फ्रेम अपन ने की थी तो पीछे है, तो उसकी इतना वो नहीं लग रहा कि हट रहा है ना। ये आ गया यहाँ पर इस जगह पे, अब अपन क्या करूँ, यहाँ पे जैसे ये आता है इसको मैं एक लेयर ऊपर रख रहा हूँ। ठीक, फिर पीछे अपन यहाँ पर इस बैकग्राउंड को जो है पहले थे इसको चेंज करते हैं, डाल सकते, इस पर लगा रहा हूँ मैं गॉशन ब्लर। देखो ब्लर पे क्लिक करोगे, ब्लर लिखोगे, बहुत सारे ब्लर मिल के आएंगे। ठीक है, देखो कैमरा ब्लर, चैनल ब्लर, अलग अलग टाइप के ब्लर होते हैं, मेनली जो यूज करते हैं ना अपन, अपना होता है गॉशन ब्लर, दिख रहा है ये है ना, तो अपन यूज करते हैं गॉशन बड़ा, एंड उसके बाद इसको एक चीज और करते हैं, इसमें अपन ल्यूमेट्री में जाके की जो सिचुएशन है इसको सही है। ऐसा आए टॉप हो गया, यहाँ पे कर दिया मैं सिचुएशन कम कर दिया ना उसको, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया उसको, पूरा कम नहीं करा मैंने, हल्का सा कम करा उसको, ये आया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा जो फर्स्ट फ्रेम है इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देंगे, स्केल लगाया थोड़ा आगे बढ़ा के, थोड़ा सा बढ़ा के, दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इज लगा दूँ, इस वाले पे इज आउट, यहाँ पे अपन एक टेक्स्ट डाल देते जो तुमको सही लगे तो आपसे डाल दे, इसको मैं इसके पीछे रख रहा हूँ, और यहाँ से फॉन्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे, अच्छा सा ले नाम जो भी तुमको सही लगे तुम्हारे हिसाब से डाल दे, हाँ लेयर के ऊपर अगर रख दूंगा ना मैं तो इसके ऊपर आएगा, हाँ वो दिख, तो कोई ब्रांड है या जो बंदा है उसका नाम देना अपने को या कुछ भी, अब इसको क्या बोलते हैं, बाइक मोटो बाइक मोटो बाइक, बाइक तो डर ये स्पोर्ट्स को कुछ बोल, बाइक तो डर बाइक की है वो मोटो बाइक। ठीक है, अपन एक नाम अपने हिसाब से दे दो मोटो बाइक, अपने थोड़ा बड़ा चीज, अब क्या रहता है कितनी बार जैसे जब भी टाइटलिंग करते हैं ना, हर बार जरूरी नहीं है कि पूरा ही नाम दिखे, समझने वाले को ये समझ आ जाएगा क्या लिखा है वो, तो वो डिपेंड करता है तुम डिजाइन कैसी बना उसके ऊपर, आ रहा है समझ में कि मोटो बाइक लिखा हुआ है वो। ये और यहाँ पे अपन चाहो तो बीच में और जैसा भी डर्ट बाइक जैसा है ना, तो अपन यहाँ पे नेट पे अपने को सब चीजें मिल जाएंगी, कुछ भी क्रिएट करने से पहले नेट पे सर्च करो, नहीं मिल रहा है तो फिर उसको क्रिएट करने में टाइम लगाओ, चीजें अगर मिल रही है ना तो फिर वहाँ क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं, चीजें पता होनी चाहिए बस कि तुमको कहाँ क्या चाहिए, टेक्स्ट वाले को मैं और ऊपर अपन नीचे की पोजिशन अपने हिसाब से। अच्छा अभी जैसे अभी तो क्या मैं तुमको बता रहा हूँ इसलिए अपन की भी लगाते जा रहे सब करते जा रहे, मेन जब प्रोजेक्ट करते ना तब कह रहे थे पहले पूरा सीन जमा लो, एनिमेशन कीज वीज जो है ना वो सब लास्ट, पहले पूरा सीन सेटअप हो जाए कि हाँ यहाँ पर ये चीज आएगी, यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर ये चीज, फाइनल मालूम पड़ गया, फाइनल
फाइनल पे की लगा लो कि ये फाइनल है, उसके पहले वापस जाके फिर अपने हिसाब से एनिमेट कर। फाइनल में तुमको चेंज करना तो बाद में कर सकते हो, पर उससे क्या एक जम जाएगा ना तो फाइनल आउटपुट मालूम पड़ेगा, पता चला अपने इसको जूम इन जूम आउट कर दिया, दूसरी चीज लगाई है तो कम चीज है, ज्यादा एलिमेंट में क्या होता है फिर मालूम पड़ता है उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा जूम लगाया अपन ने वो फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है। तो इसलिए अपन पहले जमा लो अपने हिसाब से जो भी चीज जहाँ लग रही है उसके बाद फिर की उसका। जैसे मोटो बाइक वाला है था ना, इसमें भी अपना कलर इसका फील स्ट्रोक ले लेते हैं, तो फिर स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा दो, फील का कलर जो है वो थोड़ा जो आगे, अब इस पर अपन नॉर्मली ड्रॉप शेडो उठा थोड़ी बढ़ा दो, थोड़ा अपन कर देते सॉफ्टनेस को बढ़ा दी। तो ड्रॉप शेडो इतना ध्यान नहीं दे रहा कि क्या चीज है, लेकिन उसको जब बंद करोगे ना तो तुमको समझ आएगा कितना फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे मालूम पड़ता है कितना अपन मैन्युअली करेंगे ना तो इतना नहीं समझ में आएगा कि क्यों लगा रहे अपन, लगाई क्यों रहे, कुछ फर्क पड़ेगा अभी क्या नहीं उसका, लेकिन जब उसको मैन्युअली हटा के देखोगे ना तब समझ में आएगा कितना फर्क। अब अपने जैसे पीएनजी ये इमेज है, इस इमेज पे जाओ, इसमें फिर एक होता है ड्रॉप शेडो से ही होगा बस होगा। चलो इसका ही कलर चेंज करके लेते हैं, इसको ड्रॉप शेडो ही डालते अपन बाइक वाले पे भी। अभी इसमें बस क्या करेंगे अपन, यहाँ से इसकी ओपेसिटी फुल कर रहा हूँ मैं, जो कलर है ब्लैक की जगह मैं इसको ले लेता हूँ व्हाइट, देखा कितना अच्छा लग रहा है, वो फील अलग ही आ गया। वहाँ अगर अपन ड्रॉप शेडो नॉर्मल रखेंगे तो इतना नहीं मैच करेगा सीन के साथ। अब यहाँ पर जब कर रहे हैं अपन तो इसको अपने हिसाब से ले सकते, डिस्टेंस को मैं थोड़ा सेंटर कर रहा हूँ इसको, और इसको हाँ जैसे अब ये बाइक के बारे में ही लिखा अपन ने पीछे, उसके बारे में उसके हिसाब से अपन टाइटल समझ लो इसको, टाइटल इन्फो और कुछ भी अपन जैसे ट्रेलर बना रहे किसी चीज का, जैसे अब ये बाइक के ही सारे वीडियोस का अपन कुछ ट्रेलर बना रहे हैं तो जो अलग अलग स्टंट वाले बाइकर है उन सबकी एक एक फोटो उनका नाम आ जाए, या कोई स्पोर्ट्समैन है कोई खेल रहे तो उनके नाम आ जाए हाईलाइट होके, ये उस टाइप से आते ना उस टॉप। हाँ मूवीज में दिखाते ना पोस्टर्स बनते हैं बहुत सारी मूवीज में, अभी ज्यादा इसमें अपने वेब सीरीज में तो सभी में यूज हो रही है सारी चीजें आजकल, जो टाइटलिंग होती है उनके इंट्रो चलते हैं स्टार्टिंग के उसमें सब में आते हैं आजकल ये चीज। और जैसे कैरेक्टर का भी जो हीरो हीरोइन रहते हैं तो स्टॉप आ गया सीन में से ही, फिर लास्ट में उसका ओरिजिनल नाम और उसका कैरेक्टर नाम लिख के आ जाता है, तो ऐसे करके चीजें आ जाती है ना। अब देखो ये आगे बढ़ाना ही नहीं अपने को, अगर मान अगर हाँ अगर लेना है ना तो फिर अपने जो इस पे इफेक्ट लगाया ना ये इफेक्ट नहीं चाहिए फिर अपने को, इसके ऊपर की लगाई ना अपन ने, एक काम करो इसके ऊपर जो की है इस की को यहाँ से डिलीट कर देता, क्योंकि अगर अपने को सेम वही रखना है तो ये आया जितना रखना है वहां तक रख लिया ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ से सारी चीजों को कट कर दो, नहीं वो नीचे वाला भी करना पड़ेगा ना क्योंकि वो स्टिल फ्रेम है अपने को तो वीडियो वापस जाना है ना, तो यहाँ से वापस आगे तक खींच दो इसको। अब ये क्यों नहीं खींच पा रहा, क्योंकि लिंक है कट किया था तो ये फुल है तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसको अनलिंक करो, ऑडियो डिलीट ही कर दो, अपने को ऑडियो की जरूरत ही नहीं, ये बढ़ा दिया ठीक है। और अब बढ़ाने के बाद यहाँ पर जो स्टिल था इसको यहाँ से यहाँ तक इस चीज को डिलीट कर, ठीक है। तो ये आया ये रुका, डिलीट नहीं करते तो स्टिल ही रहता। अब यहाँ पे की फ्रेम लगा रहे, अब अपने हिसाब से अपन जो भी की फ्रेम लगाएंगे वो अपने टाइटलिंग के हिसाब से नाम के हिसाब से जो भी अपने करना है वो अपने हाथ में। हाँ की फ्रेम नहीं हटाएंगे ना तो क्या होगा कि अभी अपना जो ये सीन है ये बाइकर ये बड़ा हो गया, अब जैसे ही सीन कट होगा ना तो वहां तो छोटा ही है तो एकदम से जर्क आएगा। या तो फिर तुम ये करोगे इसको बड़ा करके वापस छोटा करो, सेम की फ्रेम को वापस छोटा करो, यहाँ तक बड़ा हुआ उसके बाद इस जगह पर वापस वो मेन की फ्रेम थी उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो वहां से बड़ा भी हो रहा है और फिर वापस छोटा भी हो रहा है और फिर वहां से वापस आगे का सीन चालू हो गया, पर वो अजीब लगेगा। तो उसकी जगह एक चीज ये करो, अगर अपने को वैसा करना है ना तो अपने पास बैकग्राउंड में चीजें हैं, ये आया ठीक है। अब बैकग्राउंड जैसे अपने पास यहाँ पे इंक वाला है, इस जगह पे आके इंक में की लगा दो अपन, इसको इंक को सिलेक्ट करो, फर्स्ट पे आओ, यहाँ से इसको छोटा करो, सेम इजीज डाल दो इनमें ठीक है, इंक वाला कर दो। अगर अपने को कंटिन्यू रखना है वो चीज़ तो ये कर सकते हैं अपन ठीक है। ये यहाँ से बड़ी हो रही है अब यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो अपन, इसको भी अपन वैसे ही एनिमेट कर दो मैन्युअली ठीक है। जैसे यहाँ पर अब अपन ने क्या करा था, इंक अपनी क्या हो रही है बढ़ रही है, तो टेक्स्ट को अपने को फिर इसका अपोजिट करते हैं। हाँ तो टेक्स्ट छोटा होगा ना, ये पहले लगा रहा हूँ ना, बाद वाली तो सेट है ठीक है, ये हो गया। और थोड़ा डायनेमिक करना है तो इसमें इंक वाला जो अपना टेक्स्ट है इसमें आओ, यहाँ पे लास्ट की फ्रेम पे यहाँ पे मैं रोटेशन भी डाल दो, स्टार्टिंग में आते हैं यहाँ से रोटेशन थोड़ा, तो वो तुम्हारे ऊपर एनिमेशन तुमको कैसा लग रहा है अपने हिसाब से कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हो रहा है इनको, या तो जो कीज है इनको थोड़ा दूर करो, ये मोशन ना बहुत हल्का सा दिखेगा तो अच्छा लगेगा वो। हाँ उसमें से यूज कर, हाँ वहाँ से यूज कर सकते जैसे अपना मोटर बाइक वाला इसको। सारे इसमें आउट है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है ना, इन आउट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, पर हाँ ये चीजें भी अपन कर सकते हैं बीच में, जैसे ये इसको अपन और ऊपर कर दे रहा हूँ मैं। हाँ ये तो अपने आप एनिमेट ही है, तो पूरा इसमें की लगाने की जरूरत ही नहीं है।
टाइम बचा देगा, एनिमेशन भी अच्छा आ जाएगा। ये अपने ऊपर है कि जो अपने को यूज करना है कैसे करना है। जैसे इसको अपन थोड़ा पहले से ही ले आते हैं, जब तक वो वहाँ पहुंचेगा तब स्टॉप करना है। इसको अपन पहले से ही ले आओ, क्योंकि ये पीछे है ना आगे, इसको थोड़ा और इधर पे ताकि ऊपर तक में ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक लगेगा, फिर ये आ गया। जैसे जो भी अच्छा लग रहा है उसमें से उठा के अपन को सिर्फ डालना है। ये तो सब अब तुमको तुम्हारे हिसाब से जो अच्छा लगे करके देखना। सब अलग अलग चीज है, इसमें एलिमेंट भी है, तुमको एलिमेंट ऐड करना तो एलिमेंट डाल दो। जितनी की लेयर डालोगे ना ऊपर बढ़ती जाएगी, जैसे ये खत्म है तो ऊपर करते जाओ, वो अपने आप ऊपर होती जाएगी। तो ये था वो इमेज आने से पहले अपन थोड़ा सा इसको, या ऊपर की जगह नीचे की जगह इसको ऊपर भी डाल सकते अपन उसके ऊपर। यहाँ से ये आया, ये साथ में मैनुअली अगर तुमको लगा फिक्स टायर पे रखना, अपन थोड़ा सा इसको मूव कर, आया यहाँ से और ये एक साथ हो गया। हाँ वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आया यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से कर दो। और भी इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइटलिंग भी करनी है तो और टाइटल भी डाल दो। तुमको लग रहा है कि नीचे में नाम लिख दिया उसके बाद और कुछ डालना है, ये सब अलग अलग टाइप के हैं, कल बताया था मैंने। इसी में ना इसमें से कॉपी कर लेना थोड़ा और को नीचे कर दो, उस जगह पे कर दो, नीचे रहने ना, तो वो तुम्हारे हाथ में। अब जैसे इसमें आउट आउट हो रहा है ना, इसमें आउट का ऑप्शन है, मुझे आउट का ऑप्शन कुछ में आता है। जैसे इन आउट है ना, अपन आउट कर रोक सकते हैं, जिसमें नहीं है उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसमें तो इन आउट दोनों चीज कर सकते हैं, इसको भी रोक सकते हैं, बताओ कैसे। हाँ अब ये चीज देखो, अब वो होल्ड वाली चीज अलग है, पर अपने को दिमाग लगाना है कि वो किस काम के लिए आ रही है। अब अपने को यहाँ पर आ गया प्लग इन, सिंपल जाओ इस पर, यही वाला था, यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर मैंने एड होल्ड, ये लो ये वाला को भी रोकना है जो ऊपर से आया एनिमेट यहाँ तक हुआ, सिलेक्ट करा राइट क्लिक किया एड होल्ड, ये रोक बन गया। वो डिपेंड करता है ना तुमको क्यों बनाना, अच्छा बुरा नहीं देख रहे अपन, अपन सीख रहे कि टूल्स कैसे यूज करें, वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुमको बनाना क्या है। क्लाइंट के लिए अगर बना रहे हो, क्लाइंट को बोलना मेरे को यहाँ पे बस रोकना है, इसके बाद अगला सीन आ जाए, ये कट जाए, इसके बाद नया वीडियो आ जाए, तो यहाँ अपन बीच में कुछ भी ट्रांजिशन डाल दो। जैसे यहाँ पर अगर ट्रांजिशन सर्च करो मिलता है कभी, इसके बाद ये अपन ट्रांजिशन डाल दे, इसके बाद सीन कट, दूसरा कुछ आ जाएगा जो अगला करना है तुम्हारा। यहाँ तक आ गया, नाम वाम आ गया, फिर यहाँ से ये बंद हो गया, इसके बाद अगला सीन, अभी इसको सीन के साथ सेल कर दो। इसके बाद ये नीचे का जितना भी है पोर्शन है सबको सिलेक्ट करके यहाँ तक कट कर दो, जो अगली वीडियो तुम उसके बाद डालोगे वहाँ तो वो चालू हो जाएगी, जब ट्रांजिशन हटेगा। यहाँ तक आया ये कट, उसके बाद जब ये वापस खुलेगा वापस दूसरा कुछ डल जाएगा, इसको फास्ट करना अपने को, इसको आर प्रेस करके थोड़ा फास्ट या कट हो जाएगा डायरेक्ट, तो अपने को फास्ट करना है ना, ये स्पीड लानी बहुत कट है ना फास्ट। अब जैसे इतनी देर होल्ड कर रहा है ये भी अच्छा नहीं लग रहा अपने को, तो क्या करो यहाँ तक आया ब्लू आया, यहाँ से कट कर दो इतना पार्ट, और जहाँ से वापस स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक कट, बीच का हिस्सा हटा दो, इसको पास कर दो, ये अपना हो गया डायरेक्ट बस गया और ये चालू हो गया। और यहाँ चाहो तो दूसरा वीडियो रख दो, दूसरा ये रख दिया अपन, हाँ मैनुअली कर सकते हो, उसमें ऑप्शन नहीं है तो फास्ट अपन मैनुअली कर सकते हैं, बीच का स्पेस है तो उसको कट करके मैनुअली कर सकते हैं, तो वो अपने हाथ। ये हो गया अपना लो फास्ट करने के लिए, आर प्रेस करोगी स्लो फास्ट, ये फास्ट हो गया है ना, सिर्फ आर स्पेस तो प्ले करने के लिए ना, सिर्फ आर दबाओगे ये यहाँ पर ये रहेगी, ये रेट और ये अप्लाई, तो अभी मैंने वो वाला बना दिया ना प्रॉब्लम। अब देखो ये मैंने उठा के रखा ना, ये क्या रखा मैंने सीक्वेंस, इसके अंदर का सब कुछ है, इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये पहुंचा दिया उसने वापस। तुमको टेक्स्ट अगर रखना है तो तुम इसमें भी कर सकते हो टेक्स्ट, ये तीनों चीजें अपनी स्टिल थी, इसको अपन ऊपर कर देंगे, आप टेक्स्ट डाल दो कुछ, बस ये रहेगा कि जो मेन फुटेज है उसके ऊपर आएगा टेक्स्ट, क्योंकि अपना ये जो कैरेक्टर है ये मेन फुटेज के ऊपर रखा है। अगर उस चीज को भी तुमको रखना है कि क्लियर करना है तो फिर तुम उसको रोटो कर सकते हो मैन्युअली, जो बताया जैसे वो अपने क्रॉसिंग वाले वीडियो में बताया था, पीछे नहीं जाएगा। पीछे के लिए तो फिर तुमको खाली आगे फोरग्राउंड चाहिए ना, फोरग्राउंड बैकग्राउंड अलग अलग चाहिए, काम करो पीछे तक की जरूरत ही नहीं। अपन टेक्स्ट ही ऐसा डालो कि जो उस मेन कैरेक्टर पीछे जाए, आ रहा है एनिमेशन ठीक है, वो निकल गया जब तक अपने, जब तक वो डाला जब तक उसको यूज करना है। अगर जैसे खाली जगह दिख रही है अपने को तो अपन खसका भी सकते हैं, ये यहाँ रखें पीछे में भी रखना हो तो, क्योंकि अपन इनको ओपेसिटी कम करी थी ना तो उस वजह से ये थोड़ा। हाँ अभी इसको ये भी कर सकते हैं अपन, जैसे अपना कैरेक्टर अपने ओपेसिटी कम क्यों करी ताकि कैरेक्टर अजीब सा नहीं लगे, तो अपना कैरेक्टर यहाँ तक निकल गया ना, इसके बाद यहाँ से ये जैसे यहाँ निकला ना, यहाँ पे अपन की लगा दो ओपेसिटी, यहाँ पे की थोड़ी आगे जाके उसकी ओपेसिटी मैनुअली यहाँ से फुल कर दो, तो वो की फ्रेम में समझ ही नहीं आएगा, ओपेसिटी धीरे से बढ़ेगी इसकी। जैसे ये क्रॉस किया अब देखो उसकी ओपेसिटी बढ़ गई धीरे धीरे, नहीं दिख रहा टेक्स्ट ना, तो ऐसे मैनुअली अपन इनकी ओपेसिटी भी बढ़ा सकते। इससे क्या होगा, इसकी ओपेसिटी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे जाके यहाँ से गया इस जगह पे, इसकी ओपेसिटी पे मैं की लगा रहा, यहाँ से इनसे उठ के बाहर गया इसके ऊपर। अब अपन चाहे तो टेक्स्ट को बिल्कुल ही उनके पीछे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी रखना हो ये तीनों के पीछे हो गया, यहाँ से जंप कर रहा है, यहाँ इस जगह पे जंप कर रहा है ना, तो यहाँ पे अपने पास एलिमेंट भी और बहुत सारे वाले, इसको उठा के डाल दिया मैंने डायरेक्ट, ये ऊपर जगह नहीं है, आगे डाल लो अपन इसको नीचे, यहाँ से या तो यहाँ से नीचे खसका लो तो स्पेस मिल जाएगा, ये इसको ऊपर कर दो तो उठा के इधर रख लो, डायरेक्ट पहले स्पेस कर लो अपने हिसाब से जो। हाँ ये दिखेगा नहीं ना ऊपर तक का, जगह ही खत्म हो गई वहाँ पे, तुम कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ रखें उसको,
वीडियो को ऊपर कर दोगे तो भी आ जाएगी, होती एलिमेंट भी डाल सकते। फर्स्ट वाला जो है ना इसमें जर्क आ रहा है हल्का सा, स्केल थोड़ा बड़ा है वो प्रॉपर है। तो ऐसे इफेक्ट रहेंगे इसमें अलग अलग टाइप से। अब इसमें अपने देखो ट्रांजिशन भी देख लिया, ट्रांजिशन को मैन्युअली कट करना भी आ गया इसी के अंदर अपने को, क्योंकि अपने दो फुट टेक्स्ट भी देख लिया इसी के अंदर, एक्स्ट्रा मोशन भी देख लिया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जब करेंगे ना तो चीजें यूज होंगी तब समझ। अभी तक तो तुम लोगों ने सिर्फ टूल सीखे कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते, हाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो अब देखेंगे। तो अपन क्या बीच बीच में छोटे छोटे प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे, उसके बाद लास्ट में एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो करना है और उसके अंदर तुमको सारी चीजें यूज करनी है। उसका वॉक टू बता देता हूँ, अभी एक और पार्ट उसका डाउनलोड हो जाए। ये उसका ऑडियो है और ये बी रोल है, शॉट है सारे, मल्टीपल कैमरा के अलग अलग शॉट है। तुमको स्टोरी समझना है, गाने के हिसाब से क्या हो रहा है उसमें, अपने हिसाब से उसको सेट करना। जैसे बार बार शॉट लिए हुए, ये दो तीन बार शॉट लिए तो इनमें से अच्छा शॉट, ऐसा नहीं है ये 1-3 मिनट का एक ही शॉट है। हाँ इसमें जैसे ये निकाली, उसमें गन, ये करी, ये कट, फिर वापस से लिया अगला शॉट, फिर है ये, तो इस टाइप के अलग अलग मिक्स शॉट रहेंगे इसमें सारे। शायद जो अगला डाउनलोड हो रहा है ना उसके अंदर उसका सिंग करते हुए भी होगा, गाते हुए भी हो सकता। तो ये सारी चीजें इनमें यूज करना है। अब जैसे अपन ने यहाँ पे ये जो कैरेक्टर था क्या है, अभी जो अपन ने किया बाइक वाले, वो अपन इस पे कर सकते हैं। ये इसने जैसे ये गन करके तानी और ये स्टॉप कर दिया, का नाम आ गया, गाने का टाइटल आ गया, या जो भी तुमको डालना है, ये हाईलाइट हो गया, आगे आ रहा है जूम होके। अपन यहाँ से गोली भी बना दी, PNG ला के गोली निकलती बना दी, स्लो मोशन में जा रही है वो, तो उसके बाद अगला सीन। तो ये से तुमको दिमाग लगाना सर है वो, तो तुमको तुम्हारे हिसाब से के सॉन्ग के हिसाब से कहाँ क्या जा रहा है ऐसा करके इसमें लगाना है।